हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में ईद पर मचा कोहराम, दो पक्षों में हुआ पथराव, इंटरनेट सेवाएं हुई बंद। जोधपुर में महाराष्ट्र से उठा लाउडस्पीकर का विवाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर तक पहुंच गया है। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर सोमवार देर रात लाउडस्पीकर व झंडे हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। दोनों ओर से हो रहे पथराव के बीच डीसीपी एसएचओ सहित कई लोग व पत्रकार घायल हुए। आधे घंटे पथराव के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। जोधपुर में इंटरनेट सेवा को अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल बंद करने का आदेश दिया गया है। जोधपुर शहर में सोमवार देर रात को लाउडस्पीकर और झंडे हटाने को लेकर विवाद हुआ। शहर के जालोरी गेट चौराहे पर लगे लाउडस्पीकर और धार्मिक झंडे हटाने को लेकर रात करीब 11:30 बजे दो पक्षों के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते पथराव में बदल गई। जालोरी गेट चौराहे पर दोनों छोर से पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद जोधपुर पुलिस ने भारी जाप्ता तैनात कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन आधे घंटे तक जब पथराव बंद नहीं हुआ तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग कर भीड़ को खदेड़ा। शहर में देर रात हुए पथराव में डीसीपी भुवन भूषण यादव, एसएचओ अमित सियाग सहित दो कांस्टेबल घायल हुए हैं। इन सबके बीच जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर में इंटरनेट सेवा को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। महापौर और विधायक का पुलिस पर आरोप है। देर रात पुलिस के लाठी चार्ज के बाद सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास और महापौर विनीता सेठ घटना स्थल पर पहुंचे। जालोरी गेट पुलिस चौकी के बाहर बैठकर दोनों ने पुलिस द्वारा किए गए एक पक्ष पर लाठी चार्ज का विरोध जताया। विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा कि पथराव दोनों पक्षों की ओर से हो रहा था तो पुलिस ने एक ही पक्ष पर क्यों लाठी चार्ज किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी है। जोधपुर में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जोधपुर शहर में देर रात पथराव की घटना के बाद रात 2 बजे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहर में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मंगलवार 1 बजे से अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों व घटना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। सीसीटीवी व मोबाइल फुटेज से जांच शुरू। जालोरी गेट पर लाउडस्पीकर झंडे हटाने को लेकर हुई हिंसा पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगाई ने कहा कि घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों और मौके पर दोनों पक्षों की ओर से बनाए गए मोबाइल वीडियो से जांच की जा रही है। साथ ही पथराव किसने शुरू किया और पथराव व तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास भी किया जा रहा है। जोधपुर से खास रिपोर्ट।